हेलो एंड वेलकम बैक। तो फिर से मैं लेक्चर 16 में इंटर कर चुका हूँ, है ना। इससे पहले कि मैंने लेक्चर 15 में देखा था इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल का, उसका ही एक्सटेंड हम कर रहे हैं लेक्चर 16 में। क्योंकि अगर हम लेक्चर 15 में इसको क्या करते, इंड करते, तो आपका 1.5 घंटा का बन सकता था वीडियो। लेकिन आप लोग तो आधा घंटा नहीं देखते हैं, तो 1.5 घंटा कहाँ से टिकिएगा। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ। शॉर्ट वीडियो रहेगा तो अपना नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा होगा, लेकिन आपका देखने में सहूलियत हो। तो आइए हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल का। देख रहे थे ना हम लोग इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, तो उसका लेक्चर 16 में हम इंटर कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि जोन फर्स्ट तक हम वाटर टेबल देख चुके थे कि अगर मेरा वाटर टेबल जोन थर्ड में है, जोन थर्ड में हम देखे थे कि फाउंडेशन लेवल से बी विड्थ तक, ठीक है, फाउंडेशन लेवल तक के बी विड्थ से नीचे आपका वाटर टेबल है, तो आपका स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। वाटर टेबल का कोई इफेक्ट नहीं करेगा बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे, कि आपका जो बेरिंग कैपेसिटी जो सॉइल था उसमें नो इफेक्ट। जैसा आप फॉर्मूला यूज करते थे क्यू इक्वल टू एन सी क्यू एन क्यू प्लस हाफ वी गामा एन गामा, वही फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। ये तो जोन थर्ड की बात थी, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वेन वाटर टेबल बिलो द बी डेप्थ ऑफ विड्थ लेवल ऑफ फुटिंग, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल। नो चेंजेस, देर इज नो चेंजेस वाटर टेबल इफेक्ट, है ना। वी विड्थ के नीचे अगर हम लोग चल जाएंगे फाउंडेशन लेवल से, तो आपका वाटर टेबल इफेक्ट का कोई चेंज नहीं होगा उसमें। ये तो हम देख चुके थे, लेकिन अब इसमें देखेंगे कि अगर जोन फर्स्ट में हुआ, जोन फर्स्ट में हुआ मेरा वाटर टेबल और जोन सेकेंड में हुआ तो क्या होगा। अब जोन फर्स्ट जोन टू कहने का अर्थ क्या है, हवा में क्या बोल रहे हैं, तो समझ में आता है थोड़े। हवा में इसी आप बोलते रहते हैं, आप दिखाइए ना लाइन पर, दिखाइए हवा में, हवा में आप बात कर सकते हैं, रियल में दिखाइए। तो दिखा रहे हैं रियल में, देखिए ये जो था हम लेक्चर पे प्रीवियस बनाए थे ये वाला, इसको हम क्या किए थे, जोन थर्ड इसको नाम दिए ना जी। आप ब्लैक ब्लैक करेंगे, देखो इसको समझाने के लिए ये क्या है। अरे बिलिंगनेस ज़्यादा इसमें करते रहता है जी। ये हम बॉयल पॉइंट लेते हैं जी, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो आपका ये क्या है, जोन जोन है। अरे लिखा होना यार, देखो 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 कहाँ लिखा जाता है, क्या है ये जोन फर्स्ट। ये जोन सेकेंड, देखो देखो नहीं एडवांस चलता है, हम लिख रहे हैं यहाँ तो ये लिखा रहा स्टेशन है सीधा। चलो इसको समझ लेना, ये जोन क्या है थर्ड में है और ये जोन तीसरा है। तो जोन तीसरा हम लोग देख चुके थे क्या कि नो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, लेकिन अब हम लोग आते हैं किसमें, जोन सेकेंड में आते हैं कि आपका वाटर टेबल राइज कर रहा है धीरे धीरे। आप जोन सेकेंड तक पहुंच गया है, जोन सेकेंड तक पहुंच गए हैं, तो इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं आपका डायग्राम, फाउंडेशन लेवल का डायग्राम बनाएंगे ना जी, हैं नहीं बनाएंगे, समझ में आएगा नहीं आएगा। तो जोन थर्ड सेकेंड में हम पहुंच गए हैं, तो जोन सेकेंड में कुछ ऐसा फाउंडेशन लेवल है, या आपका क्या है वाटर टेबल है ना, जोन थर्ड का ना, जोन थर्ड जो जोन सेकेंड जो था आपका, ये था जोन सेकेंड, जोन सेकेंड था। तो हमने एज्यूम कर लिया कि आपका वाटर टेबल यहाँ है, कहाँ पे, यहाँ पे है आपका वाटर टेबल, तो दिखाइए ना आपका है वाटर टेबल, दिखाइए। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जोन थर्ड में वाटर टेबल पहुँच गया है मेरा, तो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी जो सॉइल है, अब बताइए कि जोन थर्ड में पहुँच गया तो जोन थर्ड में भी प्रेजेंट होगा ना, जोन सेकेंड में पहुँच गया तो हाँ जोन होगा, तभी तो नीचे से राइज होता है ना। हाँ तो ये हमने माना था क्या, डीएफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये विड्थ ऑफ फाउंडेशन, नीचे बी विड्थ तक ही हमको कंसीडर करना है, तो इसी में आ गया आपका वाटर टेबल, तो आपको तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर का गामा क्या था, थोड़ा रेड यूज कर लेते हैं, कलरफुल हो जाएगा क्या, कलरफुल, अरे दे दे पॉइंटर पॉइंटर, कलरफुल हो जाएगा। तो हमने बात किया था ना बी विड्थ में अब आ गया वाटर टेबल, तो हमने एज्यूम किया कि चलिए मेरा जो
यहाँ से फाउंडेशन लेवल से जो ये डिस्टेंस है ये छः, कितना है ये छः। तो कोई इसमें ऐसा बहादुर है कि ये डिस्टेंस हमको बता सकता है? बताइए, ये यहाँ से डिस्टेंस बता सकता है वाटर टेबल यहाँ से? कोई बहादुर है ऐसा? हाँ, बहादुर एक बोला। क्या बोला? एक बहादुर ने बोला कि हाँ टोटल यहाँ से यहाँ आपका डिस्टेंस कितना है, बी है ना? आप इसने एच माना है ना इसको, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? बी माइनस एच हो गया। अरे हुआ ना, ये वाला बी माइनस एच हो गया। चलो बी माइनस एच डिस्टेंस हो गया ये वाला। तो इतना वाटर टेबल आपका राइज कर गया है जून सेकेंड में, जून सेकेंड में आपको इतना वाटर बी माइनस एच हाइट वाटर टेबल राइज कर गया है। तो गामा कौन इफेक्टेड होगा बताइए? तो जोन ठंड में कुछ जो जोन जो तुम्हारा जो फर्स्ट है ये कौन सा है? ये जोन फर्स्ट है, इसमें कुछ वाटर टेबल का कंसेप्ट आया? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं वाटर टेबल इसमें है। तो गामा इसमें जो रहेगा आपको कोई चेंज नहीं होगा। अब गामा किसमें चेंज हो जाएगा? गामा चेंज आपका हो जाएगा टूसरा में, टूसरा टूसरा ये दूसरा है, गामा चेंज हो जाएगा दूसरा में, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ पे आ गया है। तो अब गामा चेंज हो जाएगा, जहाँ पे वाटर टेबल आता है ना वहाँ पे गामा रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेंथ यानी कि बेयरिंग कैपेसिटी जो है पानी कम लेता है, किसी चीज़ का लेता है कम लेता है, अगर नहीं लेता तो कोई कोई चीज़ उस पर फ्लोट नहीं करता, लेता है बहुत कम लेता है, सॉइल के केस में तो निग्लिजिबल के रूप में लेता है ना। तो इसलिए हम लोग वाटर टेबल जहाँ पे आ गया, अब क्या गया, बेयरिंग कैपेसिटी जो सॉइल था घट गया, घट गया। हाँ देखो अब यहाँ पे अब आ गया है वाटर। तो अब देखो कहाँ पे इफेक्ट आएगा, इस वाला यहाँ पे जो हम गामा था इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इस वाला गामा में इफेक्ट आएगा। तो मैं एक लिखता हूँ, अब गामा देखो मैं पहले लिख देता हूँ आपको, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का जो फॉर्मूला टर्जागी ने दिए थे मैं लिख देता हूँ, सी एन सी, ठीक है। क्यू का वैल्यू इस बार लिख देता हूँ, इस बार क्यू का वैल्यू क्या लिख दूँ, डी एफ इंटू गामा फर्स्ट इंटू एन क्यू। बोलिए हुआ कि नहीं जी? अरे हुआ ना, क्यू का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, एन क्यू सब्सक्रिप्ट है, कोफिशियंट फैक्टर है बेयरिंग कैपेसिटी का, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, सी एन सी गामा एन गामा, हाफ गामा एन गामा, ये गामा टू, ये कौन सा गामा है, टू है, यही इफेक्ट होगा। अरे यही इफेक्ट होगा, गामा टू ही में ना वाटर टेबल आ गया तो यही इफेक्टेड होगा, ठीक है। और विड तो रहने दीजिए, और एन गामा कोई फर्क नहीं है तो कांस्टेंट है, कोफिशियंट है, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। ये डिपेंड करता है क्या, ये फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है ना जी, हम बहुत प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस किए थे, ये फाई पे डिपेंड करता है, क्यू एन क्यू एन सी किस पे डिपेंड करता है, फाई पे, व्हाट इज फाई, फाई इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक हाँ, तो उस पर डिपेंड करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, विड्थ आपका फाउंडेशन का फिक्स ही रहेगा क्या? अरे आपने जो एक बार फिक्स कर दिया फाउंडेशन वही ना रहेगा कि नहीं, घटते जाएगा समय के साथ? बोलिए कि बढ़ते जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपका इलास्टिक थोड़े है, फाउंडेशन इलास्टिक नहीं ना है, नहीं बढ़ेगा। तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा, तो चेंजेस किस में आएगा, ये वाला गामा फर्स्ट में आएगा जब वाटर टेबल यहाँ पे राइज कर जाएगा, ये वाला गामा जब वाटर टेबल दूसरा में आ जाएगा। तो वाटर टेबल आपका जब दूसरा में आ गया, इस वाला केस में आ गया, तो अब क्या होगा, अब मैं एक फार्मूला लिखने जा रहा हूँ जो एकदम याद रखिए इसको, मैं एक गामा एवरेज लिखने जा रहा हूँ। अब ये फार्मूला गामा एवरेज पे चल जाएगा, गामा एवरेज इजकल टू, देखो हाइट कितना है, गामा का यहाँ पे खेल है यहाँ सब, तो हाइट यहाँ पे देखो गामा टू, गामा टू यहाँ पर गामा टू माने थे ना, अरे यार इसे लिखने में इसमें बहुत तकलीफ है जी, राइटिंग तो एकदम ऐसा बैठता है ना जैसे एक पहला दूसरा क्लास की बच्चा लिख रहा है, चलिए आपको तो समझने का काम है ना, राइटिंग में क्या रखा है, हैं शब्दों में आइए ना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, ठीक है हाँ उसको सुनिए, ए गामा टू इंटू, अब ये आपका हाइट कितना है जी, एच इंटू एच मल्टीप्लाई करिएगा डिस्टेंस, प्लस प्लस गामा टू, अरे टोटल गामा टू हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक गामा सेचुरेटेड कंसेप्ट देने जा रहा हूँ,
कि गामा टू यहाँ नहीं यूज के यूज करके अब क्या यूज करूंगा, गामा सेचुरेटेड। क्यों 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 गामा सेचुरेटेड मैं क्यों यूज करूँ, बोलिए आप क्यों यूज करूँ। तो देखिए मैं बताता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे क्या आ गया, पानी आ गया ना जी। अरे यहाँ तक क्या पानी है ना, चलो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, अब वो भी नहीं समझ में आता है तो चलो हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ तक क्या है आपका, पानी है, यहाँ तक आपका पानी भरा हुआ है भाई, यहाँ तक क्या आपका पानी है, इसके नीचे पूरा पानी है जी, यहाँ तक पूरा पानी है आपका, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, यहाँ तक पूरा पानी है। अब उसके ऊपर आप जाइएगा तो सूखा है, सुखाड़ हो गया वहाँ, पॉइंटर यहाँ सुखाड़ है, सुखाड़ है ना। तो अब इसको जो लिखेंगे ना गामा, गामा सेचुरेटेड हो जाएगा। सेचुरेटेड का कंसेप्ट कहाँ पढ़े थे है? नहीं हम कहाँ पढ़े थे, नहीं 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 पढ़े थे, बोले नहीं पढ़े थे, अरे फाउंडेशन में पढ़ाए थे। सेचुरेटेड क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन उसको बोलते हैं जब आपका पूरा का पूरा सॉइल वॉइड जो होगा पानी से भरा होगा, ठीक है हाँ। अरे जो वॉइड होगा ना सॉइल का, वो पूरा के पूरा पानी से भरा होगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं सेचुरेटेड। तो इसमें गामा का कंसेप्ट आया ना, तो ये गामा सेचुरेटेड हो जाएगा, है ना। आपका जो वहाँ पे गामा है, गामा टू नहीं लिखा कि अब क्या लिखाएगा, गामा सेचुरेटेड। अब इसको काट दें, बोलिए काट देते हैं, ठीक है काट देता हूँ मैं, अब इसको मिटा के गामा सेचुरेटेड कर देता हूँ, क्योंकि आपने सीख लिया इस कंसेप्ट को कि जहाँ पे पानी में डूबा हुआ होगा मेरा सॉइल, यानी पानी से भींगा होगा मेरा सॉइल, तो उसको क्या लूंगा, गामा सेचुरेटेड लूंगा, और उसका गामा सेचुरेटेड का ही वैल्यू दिया रहेगा वहाँ पे, गामा का वैल्यू, गामा सेचुरेटेड का ही वैल्यू वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका कौन सा हो जाएगा, गामा सेचुरेटेड का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गामा सेचुरेटेड, गामा सेट समझ आइएगा। और इसका हाइट कितना दूर तक आपका वाटर टेबल राइज कर गया है, कितना दूर पानी आपका भींगा हुआ है सॉइल, कितना दूर आपका सॉइल पानी से भींगा हुआ है, वो बोला लेना है हाइट, कितना भींगा हुआ है, बी माइनस एच हाइट तक भींगा हुआ है, बोलिए। और बोलिए डिवाइड बाई अपॉन टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना आपने ट्रेवल किया, तो यहाँ से यहाँ आने में मैंने ट्रेवल किया एच प्लस बी माइनस एच, अरे वही बीत हो जाएगा, लेकिन आपको लिख देता हूँ। जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ना जी, आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, एक्स वन इंटू एम वन प्लस एक्स टू इंटू एम टू अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है, उसी प्रकार इसको गामा सेचुरेटेड भी निकालते हैं, गामा टू इंटू एच प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू हाइट, वही हो गया ना, प्लस बी माइनस एच हो गया, बोलिए और हुआ कि नहीं, तब पतिया घूर फिर के वही हुआ, एच एच कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ का टोटल डिस्टेंस लिख दीजिएगा बी, बोलिए लिख दीजिएगा कि नहीं, तो वही हुआ गामा सेचुरेटेड। लेकिन अब सटीक तरीका होना चाहिए गामा सेचुरेटेड लिखने का, कि आप कहाँ से इसे लिख दिए, हम हवा में लिख देंगे, नहीं हवा में कुछ बात नहीं होता, हवा में बात होता है तो उसका लॉजिक होता है ना, हाँ। तो गामा एवरेज जो मैं लिखूंगा वो सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से, जैसे आपने सॉम में पढ़ रखा है यार, सॉम में आपने सॉम में पढ़ रखा है कि सीजी निकालते कैसे हैं, तो सीजी इसी प्रकार निकालते हैं, कोई बड़ी रखा हुआ है, दो बड़ी रखा हुआ है, वो सेंटर ऑफ मास से एक्स वन दूरी है, वो एक्स टू दूरी है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, एम इंटू एक्स वन प्लस एम इंटू एक्स टू डिवाइड बाई एक्स वन प्लस एक्स टू, अरे निकालते हैं या नहीं बोलो, तो यही गामा हम निकाल लिए, गामा भी इसी प्रकार हमको गामा एवरेज निकालना, तो गामा एवरेज अब निकाल लिए हम, और बोले निकाले कि नहीं, तो अब ये जो गामा टू है, अब गामा टू नहीं रहा, अब क्या बन गया, गामा एवरेज बन गया, ठीक है, तो इफेक्ट आया कि नहीं बोलो, गामा एवरेज। अब इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस भी बन सकता है, इसमें क्या बन सकता है, और सारा केस बन सकता है, जैसे आपको मैं बोल दूं कि वाटर टेबल तो आपको यहीं पे है, लेकिन क्या सब दिन गर्मी ही रहेगा, कभी भी तो बरसा होगा, तो बरसा होगा तो वाटर टेबल फाउंडेशन का पड़ेगा, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आएगा ना, यहाँ तक वाटर टेबल आएगा, तो यानी कि टोटल बिर्थ में पानी भर गया, तो अब देखो यहाँ पे एच का लेने का कंसेप्ट नहीं, एच लेंगे ही नहीं, यहाँ पे बिर्थ ले लेंगे, यहाँ पे भी बिर्थ लेंगे, बी माइनस बी गामा सेचुरेटेड जीरो हो गया, तो इस वक्त भी गामा सेचुरेटेड हो गया, और ये वाला सिर्फ बी बन गया, अब केस लेंगे, चलो पहले इसको लिख देता हूँ, गामा एवरेज इजकल टू क्या होगा, तो गामा एवरेज इजकल टू आपका हो जाएगा क्या, गामा सेकेंड इंटू एच जो आप लिए हैं,
प्लस गामा सेचुरेटेड इंटू बी माइनस एच, बी माइनस एच डिवाइड बाई बी, बोलिए होगा कि नहीं? अरे होगा ना, ठीक है। अब इसी केस में मैं बोल देता हूं कि जब वाटर टेबल आपका यहां पे राइज हो जाता है, वाटर टेबल यहां पे आ गया, वाटर टेबल आपका यहां पे आ गया, तो अब टोटल जो हम यहां पे जो हाइट लेंगे वो क्या होगा, बी होगा। अरे बी होगा कि नहीं? तो गामा एवरेज आपका क्या हो जाएगा, गामा एवरेज क्या हो जाएगा, गामा सेचुरेटेड अब बन जाएगा, क्योंकि यहां तक का भी भींग गया पानी ना। अरे यहां पर कभी पानी भींगता है क्या? मैं क्या बोल दिया, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सॉइल भींग गया, यहां पर का सॉइल भींग गया, सेचुरेटेड हो गया, उसका पूरा पूरा वॉइड, सॉइल का वॉइड जो है पूरा पानी भर गया, ठीक है ना। जो वॉइड था सॉइल का उसमें पानी भर गया, कुछ खाली नहीं रहा, गामा सेचुरेटेड इसको बोलते हैं। बी बी तक लेते हैं, प्लस गामा सेचुरेटेड, कहां तक लेना है गामा सेचुरेटेड? अब बी एच बी हो गया, अब बी क्या हो गया, एच अब क्या हो गया, बी हो गया, तो बी प्लस बी माइनस बी, अब बता दीजिए ना, ये तो जीरो हो गया ना, ये भी जीरो हो गया ना, तो बचा क्या, गामा सेचुरेटेड ही बचा, तो यानी कि पूरा के पूरा यहाँ के पानी भर जाएगा। तो गामा एवरेज इज इक्वल टू गामा सेचुरेटेड, कंफ्यूजन नहीं होना है, गामा एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा सेचुरेटेड इज इक्वल टू गामा एवरेज। जब फाउंडेशन लेवल तक आपका पानी होगा तब जी, लेकिन उससे कम भी हो सकता है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट केस देख लिए। अब जो आपका बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल होगा वो क्या हो जाएगा, गामा टू नहीं रहेगा, गामा एवरेज हो जाएगा। देखो अब मैं बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल लिखूंगा, क्यू यू इजकल टू जो होगा सी एन सी प्लस डी एफ इंटू गामा फर्स्ट एन क्यू प्लस हाफ। अभी गामा एवरेज, गामा एवरेज, गामा सेचुरेटेड नहीं, ए गामा टू नहीं, अब गामा टू कन्वर्ट हो गया गामा एवरेज में, तो यानी कि ये वाला टर्म इफेक्टेड होगा जब वाटर टेबल सेकेंड जोन में होगा। तो बोली अरे वाटर टेबल आपका सेकेंड जोन में होगा तो ये वाला टर्म इफेक्टेड होगा ना, सिर्फ ये वाला टर्म इफेक्टेड होगा, होगा कि नहीं, इससे कोई लेना देना है, नहीं लेना देना है, तो ये वाला टर्म इफेक्टेड हो जाएगा, यानी सिर्फ आप कैलकुलेशन करना होगा, आपका न्यूमेरिकल इस पे आएगा, न्यूमेरिकल इससे पूछ सकता है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल बन सकता है, कंसेप्चुअल एकदम हाई लेवल का। तो गामा सेचुरेटेड, पहले गामा एवरेज यहां से निकाल लोगे, फिर आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल निकालोगे, है ना, तो पहले गामा एवरेज निकाल लेना है, तो आपका चेंज हो गया फॉर्मूला इसमें। फिर अब जोन हम लोग किस में आते हैं, अब इसको पूरा पूरा मिटाते हैं, अब जोन किस में आ जाते हैं, लिख लेना इसको, ठीक है ना, इसको मिटाता हूँ, अब जोन फर्स्ट में आऊंगा, इसको मैं मिटाता हूँ और जोन फर्स्ट में आऊंगा, तो फाउंडेशन तो हर हाल में बनाना है, हर जगह बनाना है फाउंडेशन, इसमें आ गई मैं, अब जोन फर्स्ट में आ गया हूँ। जोन फर्स्ट क्या था सर, जोन फर्स्ट क्या था, तो देखिए ना अभी बताता हूँ जोन फर्स्ट क्या था। जोन फर्स्ट था ग्राउंड लेवल से नीचे का जोन था, जोन फर्स्ट जो था आपका ये था जोन फर्स्ट, ये जोन फर्स्ट था। अब वाटर टेबल यहाँ पे राइज कर गया, ओहो वाटर टेबल आपका यहाँ पे राइज कर गया, मतलब काफी बारिश का समय होगा, तो फाउंडेशन आपका डूब गया जी, लीजिए अब डूब गया, डूब गया फाउंडेशन आपका, वाटर लेवल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कुछ सुझाएगा नहीं, ओ हो कहाँ चल जाते हो, पॉइंटर सेलेक्ट करके हाईलाइट, यानी कि वाटर टेबल इसके नीचे यहाँ पे है ना, इसके नीचे वाटर टेबल पूरा है, ठीक है, हाँ कंफ्यूज नहीं, इसके नीचे पूरा पूरा पानी है जी, पानी है पूरा, यानी आपको एकदम 10 फीट पे ही लेयर आ गया घर का, 20 फीट पे लेयर आ गया, फाउंडेशन लेवल डूब गया ना, फाउंडेशन कहाँ दिए, हाँ फाउंडेशन आप कहाँ दिए हैं, और इसी फाउंडेशन आप लेवल देखिए, लेवल बता कर सकते हैं, ये फाउंडेशन आपने कितना दिए थे, 2 मीटर नीचे, तो आपका वाटर टेबल ग्राउंड से 2 मीटर नीचे पर ही मिल जाएगा, आप खंदिए मिल जाएगा पानी, ठीक है। तो इस प्रकार मैं बोल दिया कि वाटर टेबल कहाँ पे है, वहीं पे है, आप ब्लैक यूज करता हूँ, रेड बहुत यूज हो गया, काला, अरे काले आना पॉइंटर,
रेडे ही आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, जोन फर्स्ट में अब आ गए। तो मान लेते हैं कि ये ग्राउंड लेवल से हाइट कितना ए है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना था, डी एफ था, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन था कि नहीं, अजी बोल दीजिए ना, फाउंडेशन था ना, तो ये गामा टू था, गामा टू था, और यहाँ से बी बिट तक ही हमको कंसीडर करना है, उसके नीचे क्या है क्या नहीं उससे हम मतलब नहीं है। अब बोलिएगा कि सर आपने यहीं तक क्यों रंगे हैं, क्या यहीं पानी है, ये नीचे नहीं पानी है? अरे मूर्ख, पानी यहाँ भी है तो जरूरी नहीं कि मैं पूरा इसको रंग दूँ, आप समझिए, पानी नीचे भी है ना, अरे नीचे से ऊपर जाता है ना पानी, आगे ऊपर से नीचे आता है, वो बारिश के केस में आता है, वो प्रेसिपिटेशन उसका होता है, ठीक है, वो प्रेशर हाई के कारण होता है, वो सब अलग पढ़ना, प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ भी पानी है, गामा टू में भी पानी भरा हुआ है पूरा पूरा, तो गामा टू अब क्या बन जाएगा तुम्हारा, गामा सेचूरेटेड, गामा टू आपका क्या बन जाएगा, गामा सेचूरेटेड, या गामा सबमर्ज भी लिख सकते हो, गामा सबमर्ज क्या होता है, गामा सबमर्ज जो क्या होता है ना, गामा सबमर्ज जो होता है, गामा माइनस गामा सेचुरेटेड, ठीक है, तो इस प्रकार हो जाता है गामा। तो इसको ध्यान नहीं देना पहले, अब गामा सेचुरेटेड रखो ना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, मान लेते हैं कि ये क्या है, गामा सेचुरेटेड है, लिए क्या पॉइंटर, देखो ना आधा समय तो रबड़ तबड़ लेने में हो जाता है, देखो एक बार में नहीं आता है, तो ठीक है गामा सेचुरेटेड ही अभी मानिए इसको, क्या गामा सेचुरेटेड है, तो पूरा पूरा पानी डूबा है ना, गामा सेचुरेटेड ही है। अरे यार क्या नाटक करवा रहे हो, उनसे पढ़ाने आए कि ये करना है, तो देखो ये गामा सेचुरेटेड हो गया यहाँ तक का है ना, पूरा पूरा पानी डूबा है ना, तो आप देखो गामा एवरेज किसके लिए वैलिड होगा, बोलिए गामा एवरेज अब किस में, जोन फर्स्ट में ना, अरे जोन फर्स्ट में ना, आप देखो देखो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो मैं लिखता हूँ, देखो 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 क्यू यू क्या होता है, सी एन सी, ये तो कुछ इफेक्टेड नहीं होगा इसमें, गामा तो है ही नहीं इसमें, कोई इफेक्टेड नहीं होगा, प्लस डी एफ इंटू गामा जोन फर्स्ट का इंटू एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा, ये गामा टू 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 गामा टू जोन का, गामा टू जोन का ना ये वाला, ठीक है, तो कहाँ का इफेक्ट हो रहा है बोलिए ना, ये तो गामा टू अब बन जाएगा गामा सेचुरेटेड, गामा टू इज इक्विवेलेंट टू गामा सेचुरेटेड, रिप्लेस हो गया क्योंकि पानी से सॉइल आपका पूरा के पूरा भींग गया, तो वॉइड भर गया पानी से, तो आप उसको सेचुरेटेड बोल दीजिएगा, तो आपका गामा जो हो गया गामा सेचुरेटेड हो गया है ना, तो आप गामा टू नहीं लिख के आप गामा सेचुरेटेड भी इसको लिख सकते हो, लेकिन अब गामा एवरेज का कंसेप्ट कहाँ पे लागू होगा, पहले मैं गामा एवरेज निकाल लेता हूँ, गामा एवरेज का कंसेप्ट जोन वन में लागू होगा, तो गामा एवरेज में निकाल लेता हूँ उसी प्रकार जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में, नहीं अभी जस्ट, अभी जस्ट इसी क्लास में गामा एवरेज निकाले थे ना जी, यहाँ देखिए ना वो मिटा दिए, नहीं नहीं बचता है, यहाँ पे गामा एवरेज निकाले थे ना इस कंसेप्ट से, तो उसी प्रकार से इसमें भी लिखना है, लिखिए ना, था कौन रोका है आपको, कोई रोका है नहीं, कोई रोका नहीं, तो ए इंटू गामा वन, बोलिए यहाँ पे टोटल जोन में कितना है, गामा वन है प्लस कितना, गामा वन, और बताइए हाइट, अब हाइट कौन लेना है, अरे बोलिए बी ले लेना है, क्या बी लेना है, नहीं अब यहाँ पर का हाइट हो जाएगा आपका डी एफ, ओ डी एफ, डी एफ कौन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हो जाएगा, तो बताइए यहाँ से ए वाला डेप्थ क्या है, ए है, अरे यहाँ से यहाँ ये डेप्थ ए है, तो यहाँ से यहाँ कितना डेप्थ होगा, यहाँ से यहाँ कितना डेप्थ होगा, कोई बहादुर है जो बता सकता है, ये वाला डेप्थ बता लीजिए ना, बताइए ना, डी एफ माइनस ए होगा, होगा कि नहीं, अरे होगा ना, अरे टोटल डेप्थ डी एफ हो गया ना जी, तो यहाँ से यहाँ आइएगा तो क्या होगा, डी एफ में घटाएंगे ना, तो डी एफ इंटू ए होगा ये वाला,
तो यहाँ से क्या लिख दें, df इंटू ये लिख देना। अरे df माइनस ए, अरे कभी कभी लड़खड़ा जाता है चमड़ा का मुंह, तो df इंटू ये हो जाता है ना, a इंटू गामा प्लस, प्रोग्रामिंग थोड़े क्या हुआ है, हमारे मुंह में प्रोग्रामिंग नहीं है कि आपने जो डाल दिया वही वहाँ पे सुनाएगा, नहीं, सोचता है समझता है उसके बाद यहाँ पे बोलता है। ये प्रोग्रामिंग ऐसा है कि आपको लॉन्ग टाइम सोचने का समय देता है ना। तो माइंड में ऐसा प्रोग्रामिंग बनाया गया है कि पहले आपको सोचता है, भावनाओं से सोचता है, सिंपैथी देखता है कि अच्छा कैसा है क्या नहीं, क्या हमको करना है, कभी कभी पिछले सोचा हुआ भी आ जाता है। लेकिन प्रोग्रामिंग जिसमें हम लोग करते हैं कंप्यूटर में, पीछे सोचने वाला नहीं थिंग आता है, वो जो उसमें आप सेट कर दिए हैं वही बकते रहता है ना, आगे क्या है क्या नहीं नहीं बक पाता है। चलिए सब था, तो यहाँ पे टोटल क्या बोल दें, यहाँ पे कितना हो गया डेप्थ, अरे ये डेप्थ डीएफ हो गया ना जी, डीएफ माइनस ए प्लस ए, सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला काम एवरेज से ही। तो आपको जैसा इच्छा है वैसा आप लिख सकते हैं, मैं तो ये आपको लिख दिया समझने के लिए, डीएफ माइनस ए अपॉन डीएफ लिख सकते हो, तो ऐसा भी लिख सकते हो और ऊपर वाला भी सही है, कोई काटेगा नहीं। तो अब फॉर्मूला आपका कैसा चेंज हो जाएगा, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो होगा सीएनसी प्लस डीएफ इंटू गामा एवरेज, अब गामा वन नहीं रहा, गामा एवरेज बन गया, प्लस हाफ बी इंटू गामा सेचुरेटेड, इसको थोड़ा दे दें तो अच्छा रहेगा, एन गामा। बोलिए ये इफेक्ट हुआ कि नहीं, बोलिए नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इफेक्ट हुआ कि नहीं। अरे हुआ ना, पहले आपने यूज कर रहा था गामा वन, आप यूज करना पड़ेगा आपको गामा सेचुरेटेड, तो वाटर टेबल आने की वजह से इफेक्ट हुआ इसमें कि नहीं, हुआ ना जी, हुआ ना। तो यही था इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इफेक्ट ऑन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी हम लोग ऐसे पढ़ेंगे वाटर टेबल इफेक्ट ऑन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, है ना। तो क्या इफेक्ट आपको डालता है या नहीं डालता है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो डालता है कि कहाँ आपका वाटर टेबल है कैसा है उसके अनुसार आपका इफेक्ट डलाएगा। तो मैं यहाँ पे कह दूँ कि अगर आपका वाटर टेबल यहाँ राज कर गया था, अरे यहाँ चल गया वाटर टेबल आपका, तो क्या होगा फाउंडेशन लेवल तक, ये सॉरी ग्राउंड लेवल तक, मैंने ऊपर चल गया आप पानी में हैं, यहाँ पे चला है तो सेम है, पानी में ही है आप, पानी में ही है आपका घर, पानी में है, तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, देखो गामा एवरेज चेंज हो जाएगा, गामा एवरेज के जगह पे जो हमने गामा एवरेज जो कैलकुलेशन करते थे, ए जो यूज करते थे ना जी, अब डीएफ बन जाएगा। बोलिए डीएफ बन जाएगा कि नहीं, अरे ये डीएफ टोटल डीएफ हो जाएगा यहाँ से, हाँ तो अब ए जो कन्वर्ट हो जाएगा डीएफ में, तो इसको मैं लिख दूंगा डीएफ इंटू गामा, अब पूरा पानी से भरा हुआ है ना, तो इसको गामा सेचुरेटेड लिखने में कोई फर्क नहीं है, कोई हर्ज है ही नहीं, इसको मैं बोल दूंगा क्या गामा वन इंटू डीएफ माइनस डीएफ जीरो हो गया कि नहीं, आहा एक को डीएफ से रिप्लेस कर दिए और डिवाइड बाई क्या हो गया डीएफ माइनस ए जीरो, यानी डीएफ ही बचा, नीचे कोई चेंजेज नहीं हो गया, तो क्या आपका आ गया डीएफ डीएफ कैंसिल, सिर्फ गामा सेचुरेटेड आ गया, तो सब इक्वेशन अब सेम हो गया। अब इक्वेशन आपका ये क्या हो गया प्लेट लोड आ गया है, चलिए इसको अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाओ प्लेट लोड, यहाँ पे गलती इसको नहीं याद रखो, नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखें प्लेट लोड टेस्ट। तो अब क्या गामा बन गया आपका बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, क्यू यू सी एन सी प्लस डी एफ एन गामा सेचुरेटेड हो गया आप इंटू क्या एन क्यू ना प्लस हाफ बी एन गामा, एन गामा के जब आप गामा सेचुरेटेड भी लिखते हो, नहीं 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 एन गामा तो रहेगा ना, ये तो कांस्टेंट है, नहीं एन गामा हमेशा रहेगा, एन गामा रहेगा हमेशा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अरे यार ये क्या करते रहता,
देखो देखो ना, वहां लेके गए हैं कि भाग गया, बिलिंगनेस इतना कर रहा है ना, इधर उधर करने में ही सब धीरे चल जाता है, टाइम वेस्ट। लो 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 मिटा दिए सब। क्यू इक्वल टू क्या हो गया? क्यू इक्वल टू हो गया सी एन सी प्लस डी एफ इंटू गामा सेचुरेटेड, पूरा पानी से भर गया, गामा सेचुरेटेड। एन क्यू प्लस हाफ बी गामा सेचुरेटेड इंटू एन गामा सेचुरेटेड, इसको लिख दो एन गामा, ठीक सही है। तो ये आपका इक्वेशन फाइनली बन जाएगा, ठीक है। तो तीन केस आपने पढ़ लिया, वाटर टेबल का इफेक्ट तीनों याद रहना चाहिए, तीन इफेक्ट वाटर टेबल का पढ़ा आपने, तीनों आपको याद रहना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसा पूछेगा एग्जाम में, आपको क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो बोलेगा कि आप बताइए कि वाटर टेबल का इफेक्ट बेरिंग कैपेसिटी पे पड़ता है तो कैसे पड़ता है, आप बताइए। तो आप नंबर के हिसाब से एक आंसर दीजिएगा, कितना नंबर का पूछा है। अगर आपका नंबर शॉर्ट आंसर में है, 4 नंबर का है, तो सीधा सीधी फिगर बनाना, 2 जोन का दिखा देना, जोन थर्ड का जरूर दिखाना हर केस में, जोन थर्ड का हर केस में दिखाना, फिर जोन सेकेंड ले लेना, जोन फर्स्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर 4 नंबर का है बस उसका फॉर्मूला में ड्राइव कर देना कि ऐसा ऐसा चेंजेज होगा कि अगर जोन थर्ड में रहेगा तो नो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, लेकिन जोन सेकेंड में होगा तो इफेक्टेड ऑफ कौन, इफेक्टेड ऑफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ऑन वाटर टेबल, इफेक्टेड ऑन बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल देन वाटर टेबल प्रेजेंट इन जोन सेकेंड, है ना। और जोन फर्स्ट में तो इफेक्ट करता है, जबरदस्त इफेक्ट करता है। तो अगर 6 नंबर के पूछे तो लॉन्ग बना दीजिएगा, तीनों का फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, 4 नंबर का किसी दो को, तीन तीन जरूर लेना है, फर्स्ट भी लेना है ना। जैसा आपको उस वक्त दिमाग काम करे, आपके पास समय है तो पूरा ड्राइव कर दीजिए, नंबर कौन काटने वाला है, कोई नहीं काटेगा नंबर आपको, ठीक है। तो इस प्रकार ड्राइव कर देना है किस प्रकार बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे है जो वाटर टेबल इफेक्ट डालता है ना। तो इसको बात करिए, वीडियो देखिए, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे टेस्ट पे, दो टेस्ट मैंने कहा था ना कि दो टेस्ट हम लोग को पढ़ना है, बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का 2 टेस्ट हमको पढ़ना है, कौन कौन, प्लेट लोड टेस्ट और एक क्या था, एक्स का एक था ना, ये भी प्लेट लोड टेस्ट सिर्फ लिखे हैं, अच्छा प्लेट लोड सिर्फ टेस्ट लिखे हैं, एक था वो बार बार मैं भूल जाता हूँ, अच्छा ठीक है प्लेट लोड टेस्ट था, 2 टेस्ट था, फील्ड टेस्ट ही है बाकी सब। तो 2 टेस्ट के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, दो वीडियो दो लेक्चर लगेगा, ये एक ही लेक्चर में मैं देख लूंगा इसको, है ना, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो देखिए, थैंक यू, धन्यवाद।